कि बिना मर जाओगे। सुबह गया अपने आप को इतना शौक रहे कि बहुत अमीर है हालांकि होते नहीं है। पाकिस्तान बात भी झूठ है ना, कौन सा कौमी झूठ बताएं कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। यार अभी ठहरो मैं दो मिनट में आया। किस बात में ज्यादा झूठ बोलते हो? मैं तो बगैर पढ़े तैयारी पेपर देने आई। मैं जो है ना मुगल बादशाह के नस्ल से हूँ। मानो के है अंधेरा घना, उम्र भी छुपाती है, आयब जिब भी छुपाती है कि जब खुद को देखता हूँ तो बहुत बुरा दिखता हूँ और जब आपको दिखता हूँ तो खुद पर शिक्र करता हूँ। अपनी खूबसूरती का राज बताओ। ओहो ये क्या आपने पूछे, मम्मी झूठ ना स्कूल गए तो ना पता। लाइक जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं दफ्तर लेट हो गया बोल रहे बाइक पंचर हो गया, हालांकि बाइक पंचर नहीं होती। तू खुश रहा मैं जा रहा हूँ। दो मिनट बस सबर करो, बस आ गया या बाइक पंचर हो गई। जरूर आते लापक रख दिया बर्फ मेरी। हर मोड़ पर मिलते हम दर्द हजारों। लाल क्या करते हो? तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं। बाहर दे मुला गया तो पुरखा पाके घूमन दिया मैं क्या तो भाई कहना चुप कर भैन दे वीजे ते आया। और मेरी बच्ची की पुप्पा बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक कोई झूठ बोला ही नहीं है। इतना गाता हूँ ना आपका सोचते भी ज्यादा है। अल्लाह लड़के भी लगाते हैं? नहीं लगा। लड़के फेशियल भी करवाते हैं, लड़के ब्लीच भी करवाते हैं। वो लड़के नहीं है, वो कुछ और ही है। मैं मरते गई हूं फिर सा क्यों आया। लड़कियाँ ज्यादातर शैतान की जात से है। चल वहाँ जाते हैं हम, वहाँ जाते हैं प्यार करने, चलो हम वहाँ जाते हैं। एक नु चढ़ के कौन है ओ तुसी? ओ दस के तू जांदा के दो ना सी ओ बार इंदे नालू चंगा मेनू भी ओ लै जांदा नाल तेरे जान तू ओ बात बड़े होए दिलां दे व्यापारी इत्थे पुछया नी बेरा कदी। चल चिजड़ा कटवार की नो ब्याह दौलत न और कवि चल दौलत वर कड़ी जिगर वाकड़ी मोरे वर चदास मान रो बख्तवर बचे दे इत्थे दुनिया सारी झूठी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी किरण शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहली। तो नाज़रीन मैं आई हुई हूँ रहमत चौक और आज का जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है। ऐसा कौन सा झूठ है जो पाकिस्तानी अवाम बड़े बड़े सफाई से बोलती है? तो आइए हम अवाम से पूछते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएं। तो चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। मैं ठीक, क्या नाम है? अहसन सईद। अहसन सईद क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का सब कौमी झूठ कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी झूठ यही है, यार अभी ठहरो मैं दो मिनट में आया तो एक घंटे के लिए गायब हो जाएगा। एक घंटे तक आएगा। अच्छा दूसरा? दूसरा ये अगर ऑफिस से मतलब अपने किसी काम की वजह से लेट हुआ हो, मेरी बाइक की चोरी हुई थी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ये बस उनके यही झूठ चलते हैं। ये झूठ चलते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कि लड़कियाँ किस बात में ज़्यादा झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ किस बात पे ज़्यादा झूठ बोलती हैं? मैंने तो आज पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बगैर पढ़े तैयारी पेपर देने आई हूँ। लड़कियाँ ये झूठ बोलती हैं। कोई दूसरा झूठ बताएं। लड़कियों का झूठ मतलब अनमैरिड या मैरिड दोनों कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बगैर मेकअप के भी बहुत प्यारी लगती हूँ। ये झूठ है, बहुत ही गजब की बेइज्जती हुई है भाई। अच्छा तीसरा झूठ बताएं। तीसरा झूठ कि मैंने तो कभी किचन में काम ही नहीं करवाया, मेरी मम्मा तो किचन में काम ही नहीं करवाती मुझसे, मैंने कभी बर्तन ही नहीं धोए, काम किया ही नहीं घर का। सही बात है, मोस्टली लड़कियां अपने आप को ना बड़ा वो बढ़ा चढ़ाती। चलो लड़कों का कोई झूठ बताएं। लड़कों का झूठ कि मैं जो है ना मुगल बादशाह के नस्ल से हूँ। अपने आप को इतना शौक रहे कि बहुत अमीर है हालांकि होते नहीं है, होते कंगले हैं बिल्कुल। अच्छा लड़कों में पाई जाने वाली कोई बुरी आदत? बुरी आदत स्मोकिंग ड्रिंकिंग। स्मोकिंग जो के बहुत ही बुरी आदत है, आप करते हैं? नहीं नहीं करते। अच्छा कुछ सुना दें, कोई शेरो शायरी। शेरो शायरी सोच समझ के सुनाते। कोई शेर या कोई सॉन्ग आता हो? हाँ सॉन्ग आता है मुझे, वो सुना दे। सॉन्ग सुना दे। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है,
दिल मेरे तू दीवाना है। बस आगे भी है एक लाइन। माना के है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होंगे सपने भी, मैंने है ऐसा सुना, दिल मेरे तू दीवाना है। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, क्या चाल है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? नबीला। नबीला क्या करती है? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है? कौमी झूठ बस मुझे यही ऐसे ही है कि हर बंदे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं। हर बंदा अच्छा नहीं है? नहीं। हाँ मतलब बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर नहीं अच्छे आज के दौर में। मतलब जो लोग हैं वो ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ जी, ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा हम ऐसे ही, हम तो ऐसे नहीं करते, ऐसे ही हम पे बात आ गई है, हमने तो ज़रा भी नहीं बताया हमने क्या किया है। ऐसी लड़ाई हो गई उनके घर में, ऐसी नंद भाभी की हो गई, ऐसे ही उनकी हो गई, बस मैंने तो इतनी सी बात की थी, यार तेरी भाभी क्या करती है? आग लगाने वाली। बस मैंने तो कुछ कोई तीली नहीं लगाई थी, तीली लग गई। मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं जो पुप्पो होती है वो तीली लगाती है, पुप्पो जो होती है बहुत बुरी होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ पुप्पो झगड़ा करवाती है, कुछ पुफियाँ करवाती हैं, कुछ नहीं भी करवाती हैं। मुझे ये बताएं पुफो इतनी बुरी क्यों होती है? पुफो सारी पुफो नहीं ना बुरी होती, मतलब हाँ वो बस उन कुछ एज डिफरेंट आप कह सकते हैं, उनको जो भतीजे भतीजियाँ करते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोस्टली जो नंदे होती हैं ना वो भाभियों को बर्दाश्त नहीं करती, उसकी क्या वजह? पता नहीं, क्योंकि मेरी नंद तो बहुत अच्छी हैं और मेरी बच्ची की पुफो बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह मेरी एक ही नंद है। आपका? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। आपकी पुप्पो? मेरी पुप्पो भी अच्छी हैं, मेरी पुप्पो भी अच्छी हैं। अच्छी हैं? भी एक ही हैं। एक ही पुप्पो? हाँ अच्छी है। मेरे अबू चाचा। तो आप कैमरे के आगे बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं वाकई वो अच्छी हैं, वाकई ही वो अच्छी हैं। वाकई अच्छी हैं। अच्छा चलो, पुप्पो के हवाले से इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। नंद है वो ऐसे नहीं है, वो नंद ड्रामे वाली नहीं है, बहुत अच्छी वाली है। नंद है। अच्छा मुझे बताएं लड़कियों में पाई जाने वाली कोई दो बुरी आदतें बता दें या कोई दो झूठ बता दें, आप लड़कियां बेहतर जानती होंगी। बस मैं क्या बताऊँ, आजकल तो बस जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मुझे सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती है। हाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। बुरी आदत है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। मेरी एक आदत करती है, मैं भी यूज़ करती हूँ। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है सोशल मीडिया। किचन की तरफ इतनी बच्चियाँ तवज्जा नहीं देती हैं, जो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। हाँ। ये एक बुरी आदत होगी। दूसरी आदत बताएं जो लड़कियों में पाई जाती है। बस बहुत सारी बच्चियों बुरी आदत नहीं है ये बता दें कि लड़कियां जो झूठ बोलती हैं, कोई एक लड़की का झूठ बता दें कि ये इस लड़कियों में ये झूठ पाया जाता है। हजारों झूठ पाए जाते हैं, कोई एक बता दें। बाकी अपनी एज तो छुपाती हैं। उम्र छुपाती हैं? हाँ। आपने कभी अपनी उम्र छुपाई? नहीं। तो वालेकुम सलाम, क्या चाल है? शुक्र है अल्लाह का तो सलाम। ठीक, क्या नाम है? फरमानुल्लाह। फरमानुल्लाह? फरमानुल्लाह। फरमानुल्लाह क्या करते हो? मैं यहाँ होटल का काम। होटल का काम करते हो। अच्छा मुझे बताओ पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा? पाकिस्तान का कौमी झूठ बैठे रेस्टोरेंट में होते हैं और कहते हैं कि बस अभी रास्ते में हूँ, या कहते हैं क्या दो मिनट बस सबर करो बस आ गया, या बाइक पंचर हो गई, या ऐसे कोई और ड्रामा बना के कहते हैं फिर। अच्छा मुझे बताओ लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि लड़कियाँ? दोनों ही कहते हैं। फिर भी ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? ज़्यादा झूठ लड़कियाँ कहती हैं। लड़कियाँ बोलती हैं? हाँ। क्या झूठ बोलती हैं लड़कियाँ? ये नहीं नहीं लड़कियाँ अपनी आइब छुपाती हैं। एज छुपाती हैं? हाँ। उम्र छुपाती हैं? उम्र भी छुपाती है, आइब भी छुपाती है कि मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, ताकि किसी के दिल में जगह बनाए, लेकिन बना नहीं सकते। बना नहीं सकती? नहीं। अच्छा मतलब लड़कियाँ जो हैं वो शरीफ नहीं होती? नहीं, अच्छे और बुरे तो हर किसी में है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादातर शैतान की जात से हैं। लड़कियाँ ज़्यादातर शैतान की जात से हैं। अच्छा क्या सुनाना चाह रहे हो आज? मैं उर्दू सुनाना चाहता हूँ। उर्दू सुनाना चाहते हो? अभी भी उर्दू ही सुना रहे थे। हाँ ना। शेर सुनाना चाहते हैं? नहीं, शेर तो जंगल में होता है। तो तुम कौन सा शेर सुनाना चाह रहे हो? मैं तो शेर आपने सुना दो तीन दफा, तो आपने भी कहा मैंने भी कहा कि शेर शेर और कौन सा शेर हो गया।
हाँ शेर हो गया। शेर व शायरी। शेर व शायरी कौन सी सुनाओ कुछ आता है। जब खुद को देखता हूँ तो बहुत बुरा दिखता हूँ, और जब आपको दिखता हूँ तो खुद पर शिकर करता हूँ। क्या बात है। इसके अलावा? इसके अलावा नहीं आते हैं। और नहीं आते, बस यही आता था। पश्तो में आते हैं। पश्तो में? पश्तो में सुनाओ। यार पश्तो में सुना दो। पश्तो में چاله چې زړه غټ ورکړي نو بیا دولت نه ورکوي، چاله دولت ورکړي جگر واخلي. مور یې ویل چې دا زما نر او بختور بچی دی، نو خدای نور نه اخلي، دا نر او بختور واخلي. مور د انتظار د بچی کور کې کوي، مور خبر نه وي، خو بچی ترې مسافر واخلي. قربان ملنګ ته د یار یو دیدن خو ورکه ربه، که دیدن نه وي نو د سترګو یې نظر واخلي. کیا تم مجھے سبق سنا رہے تھے؟ نہیں، یہ شاعری میں نے کہا کہ کسی کو بڑا دل دیتے ہیں اور دولت نہیں دیتا، اور کسی کو دولت دیتے ہیں تو جگر لے لیتا ہے. اور امی کہتی ہے کہ یہ میرا نر اور بختور بچہ ہے، خدا اور نہیں لیتا اور یہ نر اور یہ بختور لے لیتا ہے. اور ماں انتظار اپنے بچے کے گھر میں کرتی ہے، ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے بچہ مسافر لے لیتا ہے. قربان ملنگ تو ایک دیدار یار کا دے دینا، اگر دیدار نہ ہو تو آنکھوں سے پھر نظر لے لے. اپنی خوبصورتی کا راز بتاؤ. اوہو، یہ کیا آپ نے پوچھا؟ دراصل میں جون جولائی میں ہوں، میری ڈیٹ آف برتھ ہے تقریباً 3/2/3/7/1 ہے. تو یہ جون جولائی کا مہینہ ہے، تھوڑی سی تپش لگ گئی ہے، لیکن اس لیے کلر گولڈن ہو گیا. میں تو یہی پوچھتی ہوں نا کہ خوبصورت. نہیں، ہاں میں گولڈن ہونا نہیں چاہتی، میں گولڈن نہیں ہونا چاہتی، میں یہ پوچھ رہی ہوں اپنی خوبصورتی کا راز بتاؤ. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہر بنائی ہوئی خوبصورت ہوتی ہے. فسٹن دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی خوبصورت ہوتی ہے. کریم نہیں لگاتے؟ نہیں. کیوں نہیں لگاتے؟ بس ایسے نہیں لگاتا. آپ لگاتی ہیں؟ ہاں میں لگاتی ہوں. لڑکیوں کو لگانا چاہیے نا، مجھے نہیں لگاتا. لڑکے بھی لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. لڑکے فیشل بھی کرواتے ہیں؟ لڑکے بلیچ بھی کرواتے ہیں؟ وہ لڑکے نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں. کس نے کہا کہ وہ لڑکے نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں؟ وہ کچھ اور ہی ہیں میرے، میں کہتا ہوں جو لڑکے کریم وغیرہ لگاتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ بنا دیا، آپ اپنی چینجنگ لانا چاہتے ہیں. بات سنو، کیا سکن کیئر؟ سکن کیئر نہیں کرنی چاہیے؟ اوپر والے کے بنانے میں کیا کمی رہے گی؟ سکن کیئر نہیں کرنی چاہیے؟ پھر ایسے ہی کرتا ہے نا، سکن کیئر. وہ نہیں دھوتے؟ ہاں دھوتا ہوں. دھوتے ہو نا، سکن کیئر ہے نا، سکن کیئر ہے نا. تو یہی تو کہہ رہی ہوں، کیا سکن کیئر نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، لیکن یہ گولڈن پر کریم کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. گولڈن پر کے علاوہ بھی بہت ساری کریمیں ہیں، کریم کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے یہ صابن سے دھو لیں ایزیلی، ویسے پانی کے ساتھ سرف ایکسل بھی چلے گا، بہت سارا کچھ ہی چل رہا ہے. اچھا، لیکن کریم نہیں لگانی چاہیے. کریم کیوں نہیں لگانی چاہیے؟ اس کی وجہ بتاؤ. اس کی وجہ مجھے نہیں آتی، پتا نہیں ہے میں نے. کیوں تو پھر تم کیوں لگائی نہیں؟ پہلی بات تو یہ لڑکیوں کا کام ہے یہ. اچھا، لڑکے بھی لگاتے ہیں؟ تو یہ بھی لڑکیاں کریم لگاتی ہیں، لڑکے بھی. یہ تو میک اپ بھی لڑکے کرنے چاہیے پھر. لڑکے میک اپ کرتے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھے. تم نے دنیا دیکھی نہیں؟ میں نے دنیا نہیں دیکھی. تم نے دنیا دیکھی نہیں ہے؟ ابھی نہیں دیکھی. لڑکے بھی پراپر میک اپ کر کے موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ میک اپ کر کے باہر نکلتے ہیں. اس کی وجہ بھی بتائیں نا، میں نے تو دنیا کی وجہ خوبصورت دکھنا. جیسے لڑکی اپنے آپ کو میک اپ کر کے باہر نکالتی ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، اس طرح لڑکے بھی اکثر میک اپ کرتے ہیں. وجہ بھی بتا دینا، وہ خوبصورت لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے. لڑکوں کو امپریس کر، لڑکیوں کو. ابے 22 سال ہو گئے میرے سے نہیں کوئی امپریس ہوئی، میں نہ کسی کو امپریس کر. اس لیے تو کہہ رہی ہوں گولڈن پر لگایا کرو، میک اپ کیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی امپریس ہو جائے. امپریس ہو بھی جائے تو پھر امپریس نہیں، امپریس. وہ امپریس امپریس جو بھی ہے، میں نے کون سے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے. چھوڑو، پھر آپ ایسا کرو، آپ پھر انگلش نہیں نا بولو، پریس پریس لگے. ایسا آپ ہی کہہ رہے میڈم، آپ نے پریس بولا. میں تو اڈی مطلب تسی کہہ رہے پریس پریس، میں پتہ نہیں کڑی پریس آ گئی. اچھا، اسرین بھی کہہ دینا. اچھا مجھے بتاؤ، پاکستان کا قومی جھوٹ کون سا؟ قومی جھوٹ نہ سکولے گئے تو نہ پتا. چلو اے دس دو، پاکستان وچ زیادہ کیڑا جھوٹ بولیا جاندا ہے؟ زیادہ جھوٹ لڑکے زیادہ کس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کس کو؟ لڑکیوں کو. لڑکے جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اچھا چلو، مجھے یہ بتاؤ کہ لڑکوں میں پائی جانے والی دو بری عادتیں بتاؤ. مجھے پتا ہی نہیں، میں کبھی اسکول ہی نہیں گیا. That's his answer. داسی عربوں پہ تم بتاؤ، تم سے پوچھ رہی ہوں.
पाई जाने वाली कोई दो बुरी आदतें बता दो। पता नहीं, झूठी ये भी कर दे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लड़कियों लड़कियों में पाई जाने वाली कोई दो बुरी आदतें। वो बात ही नहीं हुई किसी लड़की के साथ, कैसे बता दे। क्या सुनाना चाहते हो? मैं तो कुछ भी नहीं सुनाना चाहता, बस मेरी एंड होगी। तुम लव स्टोरी सुनाना चाहते, लव के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? लव के बारे में हाँ, प्यार नहीं करना चाहिए, बस यही बोलूंगा। ना तेनू प्यार होया, ना तेनू किसी ने पसंद किया, प्यार नहीं होना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। देखना इतने रुले पे आंदे बेचारे फुटपाथ तेनू, ते तेनू वेख के लग रहा तू बहुत रुल गया। मैं रुलिया पे हां है, बाकी गल है मैं रुलिया। फिर भी किसी ने दिल नहीं दिता, एवं रुल गया, ना प्यार किया एवं रुल गया, एवं रुल गया, एवं रुल गया। छे सात साल है। अपना ख्याल रख, शायद कोई पसंद कर ले तेनू। नहीं यार, मेरी नसीहत है, अब इसको क्रीमें वगैरह लगाओ, शायद कोई पसंद कर ले। फिर भी एंड रुलना ही है। रुलना क्यों है? ब्याह नहीं कराना? नहीं ब्याह नहीं कराना। क्यों? नहीं नहीं, हालात सारी जिंदगी कवाड़े मरना है, मुल्क दे हालात ही नहीं ठीक है, यही सीन है। बस उन्हें तो एक गाना तुम्हें सुना देना। चलो सुना दो, सुनाओ। दस के तू जांदा कदों ना सी ओ बार, इंदे नालू चंगा मैनू भी ओ लै जांदा नाल, तेरे जान तू ओ बात बड़े होए दिलां दे व्यापार, इत्थे पुछया नी बेरा कदी किसे तेरा की ओ हाल, हाल या बेहाल जिनी देर जे भी सी ओ माल, ओनी देर सब सी ओ नाल, सब यही कहंदे शेख तू ता अपने ओ आप नू संभाल, एक दिन आ जाना ही यार तेरा ही ओ बार, मैं ता मंगिया मुरादा कोई नी छड्डी ऐसी दरबार, मुलाकात लेंदे फिरदे मामे ओ हजार, ओदा कौन सुनदा ई माड़े दी आवाज, ये ते झूठा ने पढ़ ली लगदा किताब, आपा थे ओ बाबा जी ओ माड़े जे इंसान, मिलिया नी कोई इत्थे किसे नू मुकाम, खान तेरे उत्ते लाके झूठे इल्जाम, अज दुनिया दे मूरे बन बैठे नी प्रधान, आपा ते ओ लाने आ सकून ना दिहाड़ी, फिर भी लेंदे फिरदे साडी ओ सपारी, ए ते गल बड़ी माड़ी शेख ने नी कीती किसे नाल भी ओ माड़ी, शेख नाल जिन्हें जिन्हें कीतियां ओ माड़ियां, पुछूगा ओ रब उन्हां नू भी सारी। मैडम तू खुश रह, मैं जा। क्या बात है, जरा समझ नहीं आई की कह के गया। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली हसन। अली हसन क्या करते हो? मैं बिजनेसमैन। क्या बिजनेस करते हो? कपड़े। क्या कपड़े का बिजनेस कर रहे हो? कपड़े डाई वगैरह भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सेल भी करते हो, कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट वादू मुकदा ही नहीं, मुकदा ही नहीं होएगा तो मुकदा ही नहीं। अच्छा चलो मुझे बताओ, पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है? कौमी झूठ बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो कौमी झूठ है? हाँ जी। क्या? वो हर बात पे झूठ ही बोलता रहता है, और क्या। अच्छा चलो, बिलावल भुट्टो का कोई फेमस डायलॉग जो तुम्हें आता हो? ही कहाँ पे टांग जाती है, टांग रही है। हाँ। अच्छा, कोई दूसरा? बस वही है। कहाँ पे टांग रही है, ये बिलावल भुट्टो का इन्होंने डायलॉग बोला है। अच्छा कुछ सुनाना चाहोगे? हाँ जी शेर सुना। चलो सुनाओ फिर। सुना दे पक्की गल है, शेर सुनाना है, मुझे दो शेर सुनाना, गाना नहीं सुनाना है। गाना सुना देना। चलो गाना सुनाओ। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जगनू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी, है जहर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पा। रो रहा है, रो रहा है। ये गाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ही, हालांकि मुझे खुद ये गाना इतना पसंद है। तो क्या आवाज़, नर्वस क्यों हो गए हो? बस इंटरव्यू दे रहा हूँ इस वजह से। नर्वस हो गए, कैमरा देख के नर्वस हो गए। अच्छा चलो चलो, कोई हमें ना शेर सुना दो, पंजाबी सुना दो। पंजाबी में सुना दो। क्यों कहना तेरे कहन ते जान भी हजरे, मैं सज्जन गरीब जरूर हाँ, तेला भग रखदा परम मेरी, परम मेरी ओदी जात दा ढेर मशहूर हाँ, कि तेरे तो निखड़ के रह नहीं सकते, अल्लाह जानदा बहु मजबूर हाँ, वो पई लोड़ था जान भी हजरे कमला, मैं क्यों भला तेरे तो दूर हाँ। बहुत ही दुखी लग रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, किसने दिल तोड़ा तुम्हारा? दिल है बस एक बंदा, बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, तोड़ दिया उसने दिल। हाँ बहुत जोर तरीके से तोड़ा, बुरी तरह तोड़ा है।
अच्छा क्यों तोड़ा है, क्या वजह बनी? बस वो किसी और के साथ सेट हो गई। किसी और के साथ सेट हो गई? अच्छा तो तुमने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बस जो एक बार चला गया उसके बाद दोबारा नहीं मुंह लगाते उसे। अच्छा कोई पैगाम देना चाहोगे उसको? पैगाम बस जहाँ भी हो खुश रहे। हर मोड़ पर मिलते हैं दर्द हजारों। अच्छा अच्छा मेनू पैन ठीक है चले हम सलाम का जवाब तो दे दें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है उधर देखें जरा। क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर क्या करते हैं? मैं इधर शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है? नहीं पाकिस्तान बात भी झूठ है ना, कौन सा कौमी झूठ बताएं? एक बोलते हैं ना सियासतदानों को साइड पे करके कोई किसको लेके आए? अवाम अवाम का बताएं, अवाम का देखो अवाम किस बात पे झूठ बोलती है? मीडिया भी झूठ बोल रहा है ना। कौन झूठ बोल रहा है? मीडिया भी झूठ बोल रहा है। मीडिया झूठ बोल रहा है? झूठ ही जो हम कह रहे हैं झूठ ही है। ये क्या झूठ है? क्या झूठ है बताया? क्या इंटरव्यू आपको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क को छोड़े चले हम नहीं आप किसी को भी ना पकड़े, आप फिल वक्त माइक पकड़े और हमें शेरो शायरी वो कैमरा वो सामने देखे कैमरे में और आपने कोई शेर सुना देना। यारो कहाँ तक और मोहब्बत निभाऊ मैं, दो मुझे बददुआ से भूल जाऊँ मैं। दिल तो जला के शोला सा आदमी, अब किसको छू के हाथ भी अपना जनाऊ मैं। सुनता हूँ मैं अब वो किसी से वफा कर रहा है, ऐसी जिंदगी कहीं खुशी से मर ना जाऊँ मैं। खुशी से मर ना जाऊँ कि गम से? खुशी। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल क्या करते हो? सड़क करते हो? इसके अलावा वेला ठड़क करते हो? और वेला ठड़क करते हो लड़कियों पे? नहीं करता ठड़क नहीं करते लड़कियों पे करते हो? थप्पड़ पड़े हैं कभी? मेरे को पे है ना वैसे। अच्छा सॉरी सॉरी एक नु छड़ के कौन है हो तुसी? बहुत ही बुरी बात है वैसे, ठड़कपन की वाकई इंतहा कर दी। अच्छा अच्छा ये बताओ पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा? दो मिनट च आया। ये कौमी झूठ है? इसके अलावा दौड़ तक कठिया बैठी थी लेकिन चुप सी। ये झूठ है? अच्छा और लड़कियों में पाए जाने वाली कोई दो बुरी आदतें या दो झूठ बता दो। जानू मैं आपके सिवा किसी से बात नहीं करती। अच्छा दूसरी जानू आई लव यू, मैं मिस यू, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है तू देना रो उन्हें रिएक्शन हुंदा। रिएक्ट होता है। इसके अलावा की सुनना चाहोगे? यही मतलब अभी तो एक ही बात को दोबारा आपने रिपीट कर दिया है, इसको फिल वक्त। अच्छा दूसरा बताएं लड़कियों का झूठ। दूसरा झूठ बस रहने ही दो, मैं तारीफ करना तैयार हूं ना तो मैं लेना ला दें। तारीफ नहीं करनी ना, झूठ बोलना है, उनकी बुराई करनी है। बुराई करनी है मतलब तुसी लड़की पैदा हो के तुसी खुद मतलब तंग हो लड़के हो? हां जी मैं कहती हूं लड़कियों की बुराई करो जितनी हो सके। मेरी काम पे टांग रही है बस वो, मैं आपके सामने बोल नहीं पा रहा। आपकी काम पे टांग रही हैं, बोल नहीं पा रहे, आप वैसे भी जितने कमजोर हो आप ना वो कोई टिप्स वगैरह लगाओ। नहीं मैनू ना ग्लूक पोलियो के कतरे शतरे पियो, आपको उसकी जरूरत है? पोलियो मेरी उम्र लंघ गई है तुसी पियो। नहीं मेरी भी लंघ गई है मैं खुद। अच्छा मुझे ये बताओ क्या सुनाना चाह रहे हो आज? मैं सिर्फ एक शेर दूं दे बाद इजाजत। जी मैं खुद है और मैं लिखा कुछ इस तरह है, कोई ना समझ पाया मेरे अल्फाज, आते हैं चले जाते हैं करके अपनी बकवास, बस खत्म हो गया। अच्छा वेरी नाइस। मैं ठीक, क्या नाम है? मेरा जमान अफरीदी। ओए अफरीदी क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। नाम अफरीदी क्यों है? बस कास्ट है हमारी। कास्ट है अफरीदी? जी जी। पठान है? जी जी। न्याजी। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा? पाकिस्तान का कौमी झूठ तो बहुत ज्यादा है। लाइक जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं दफ्तर लेट हो गया बोल रहे बाइक पंचर हो गई, हालांकि बाइक पंचर नहीं होती। बिल्कुल। इसके अलावा और भी अगर फिर भी दफ्तर के लेट हो गए ओहो आज आंख नहीं खुली, मगर उठा सुबह 4 बजे का होता है फिर भी कहते आज आंख नहीं खुली, सारी रात हम बैच यूज करते करते। अच्छा मुझे बताओ पाकिस्तानी लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? बस पाकिस्तान का यही होता है किसी किस बात पे जुगाड़ होना चाहिए, बस कि कोई भी चीज़ है उसके जुगाड़ लगाना चाहिए झूठ बोल के।
बोल के? हाँ जी, झूठ झूठ बोल बोल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल है कि झूठ कम बोलना चाहिए। झूठ कैसे कम बोले? ऐसे बोलेंगे कि अपना टाइम सही करेंगे, उसके बाद जो है ना झूठ को अगर क्लियर करेंगे तो ठीक। जहरी बात, आपको लगता है पाकिस्तानी आवाम बाज आ जाएगी झूठ बोलने? हाँ, कोशिश करे तो आ सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है पाकिस्तानी आवाम कोशिश करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी ना? अच्छा, चलो कुछ सुना दे। क्या सुना दे? कोई शेरो शायरी? शेरो शायरी कोई गाना सुना दे, सॉन्ग सुना दे। जी जी सुना दे। किसका? कोई भी? कोई भी। आप पकड़ेंगे क्या? मैं पकड़ूं? तेरा खोल के खत नहीं पढ़ सकिया, ते खत गैर कलों पढ़वाए ने, जेड़ा खत ते तू लिखिया सी इंज ताने मुंह बरसाए ने, बुआ खोल के ढोवेगी ते जदों साड़ी याद आई कली बह के तू रोवेगी। कोई पिंदा नहीं बात दिए नी रोवा ना ते की करा सुबह सजना दी शादी ए। और क्या सुनना चाहिए? माइक आगे करें, कुछ भी सुना दे, कोई और गाना, कोई और गाना सुना दे। सानू लुटिया हाथों के सजना दे ओंदी सूरत वेख के भुल गए, वफादार ना बन के इंज सुटिया ओंदे शहर दे विच असी रुल गए। दोस्तों की महफिल, सारे दोस्त एक दो पुछते थे कि तेरा दोस्त कौन है, किसी ने जमान फरीदी का बोलिया ते किसी ने तवेर साहब का बोलिया। जो ना पूछा कि तेरा यार कौन है, मैंने भी रोके यही कहना पाया कि मेरा कोई यार सी। उन्हें वास्ते असं हम शेर दर्ज कर लगे हैं। इको यार बेली सी इको गमगार सी, बड़ी वाली लड़िया सानू बस प्यार सी, बड़ी वाली लड़िया सानू बस प्यार सी, जुर्म भी दसिया ना जा छड़िया विचकार सी। हुन की करिए कले जी नहीं सकते यार सी, हुन की करिए। कोई बनिया ते गम आया ते खुडिया च तू वसना है, ओ कदी नौला विच आ माया। क्या बात है, मुझे तो ये बहुत दुखी इंसान लग रहे हैं। इसमें क्या बात है, इसने दुखी क्यों? ये दुखी नहीं, बस शौक है। शेरो शायरी का ये शेरो शायरी थी कि ये टप्पे थे? नहीं, ये टप्पे थे, जरा समझा, ये टप्पे थे। अच्छा, ये टप्पे थे, वैसे ये गाना नहीं था? नहीं, गाना नहीं था, ये गाना तो पूरा टाइम लगता है, ये वैसे बहुत अच्छे थे, बहुत मजे के थे, पंजाबी थे। गाना नहीं आता वैसे? गाना नहीं आता। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो ये कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं, या तुम्हारी आके नहीं जाती, मैं क्या करूं, अरे कुछ भी करो मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो ये कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं, या तुम्हारी आके नहीं जाती, मैं क्या करूं, अरे कुछ भी करो मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, मुश्किल से मैंने ये दिल संभाला, दिल ने मुझे किस मुश्किल में डाला, ये मुश्किल आसान नहीं होती, मैं क्या करूं, अरे जान में जैसे जान नहीं होती, मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा, ये गाना किसके लिए गाया आपने? बस वैसे वैसे शौक से? शौक से। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी आवाम माशाल्लाह PhD की हुई है इन्होंने झूठ बोलने में, ऐसा ही है? तो मुझे बताओ, पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है? इतना तो पता नहीं, बस थोड़ा बहुत है कि वो कहते हैं हम दो मिनट में आया ये झूठ है।
वैसे है तो सही, मतलब कहते हैं कि तू रुक मैं दो मिनट चाया, लेकिन वो दो मिनट खैर नहीं होते। तो इसके अलावा आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। अच्छा क्या सुनाना चाहते हो आप? जो सुनना चाहते हो। मैं जो सुनना चाहती हूँ, चलो गाना सुना दो गा तक गाना, उसके बाद शायरी सुना। डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना, तुम मेरी धड़कनों की सुनो, चलवा जाते हैं हम वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, को उस पार जाते हैं कोई सुबह व रात से ना मिले, उड़ के चलो आओ तुम हम चले, पंख लाया हूँ मैं उड़ चलो उड़ चलो। झूठ पे पाकिस्तान चल रहा है, नहीं पाकिस्तान को छोड़े आप बताएं, पाकिस्तानी अवाम झूठ कौन सा बोलती है जो आपको लगता है कि बड़ा परफेक्ट झूठ है? मोबाइलों का झूठ ज्यादा बोला जाता है। जब दुकान पे जाएं तो मोबाइल लेने के जाएं, कहते हैं ये ठीक है ये नहीं सही है ये है, दिखाते कुछ और है देते कुछ और है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि जब मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो जो दुकानदार है वो गलत बयानी करता है। जी दुकानदार को छोड़ो, आप बताओ आपका कोई परफेक्ट झूठ कौन सा? मैंने अभी तक कोई झूठ बोला ही नहीं है। मुझे यहाँ पे सारे पक्के नमाजी परहेजी लगते हैं, इन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। मसले से बह रहे हैं। कोई एक झूठ जो अपने दोस्तों के साथ बोलते हो? दोस्तों के साथ मजाक ही करते, झूठ कभी नहीं बोलेगा। अच्छा चलो क्या सुनाओगे? गाने ही सुना देंगे। एक्शन ही क्या? ये क्या होता है? एक्शन है ना अपना। क्या बात है, चलो गाना सुनाओ। सारा जग बेवफा है कोई किसे दा नहीं, इत्थे दुनिया सारी झूठी, इत्थे दुनिया सारी झूठी, सारा जग बेवफा है इत्थे कोई किसे दा नहीं। बस दो अल्फाज आते सी, उदो दा ही सीखे है। बस सीखे तो बहुत कुछ है क्या? की बहुत कुछ सीखे की सीखे है? बारबेक्यू दा कम सीखे और की उस्ताद बन गए। की सीखे है? बारबेक्यू दा कम सीखे है। बारबेक्यू दा कम बहुत बड़ा कम सीखे। हां जी बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शेर नहीं आता? शेर आता है सुनाओ। यारा का यार दुश्मनों का प्यो, शकील जानी 302 कपड़े का। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आपने बाल रखे हुए हैं ये लड़कियों वाले क्यों, मतलब लड़कियों जैसे क्यों रखे हैं? शौक है लड़की बनने का। तुम लहंगा पहन के बैठ जाओ ना इधर, कल से लड़की के सूट भी पहनेंगे। पक्की बात है? पक्की है, कच्ची नहीं है। कच्ची नहीं है, पक्की बात है। मेकअप भी करोगे? मेकअप तो नहीं करेंगे। क्यों? बस लड़की का सूट पहन के बैठना है तो मेकअप क्यों नहीं करना? मेकअप नहीं करना है, शौक ही नहीं है। शौक लड़कियों के ड्रेस पहनने का शौक है? जी हम वैसे खूबसूरत है मेकअप के बगैर। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, शलवार कमीज पहनोगे, लहंगा पहनोगे, साड़ी पहनोगे, शरारा पहनोगे, क्या पहनोगे? गरारा पहनेंगे। गरारा तो मैंने कहा ही नहीं गरारा पहनोगे, उसकी वजह? बस शौक है वैसे पहनेंगे। पहन के घूमना भी है? नहीं घूमना नहीं है, घर में बैठना है। घर में कभी पहने? नहीं कभी। नहीं 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 पहना। नहीं पहना? नहीं। क्यों घर से निकलने के इरादे हैं तुम्हारे? हाँ घर से निकलने के क्यों इरादे हैं तुम्हारे? बस वैसे निकलते हैं शौक से। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा? स्टैंड उठाना। स्टैंड उठा बाइक का स्टैंड झूठ है? झूठ है, मतलब वो स्टैंड उठा ही होता है तो लोग कहते हैं स्टैंड उठाए। जी वैसे बता देते, वैसे बता देते। इसके अलावा? बस और सारा झूठ है। कोई एक बताओ ना। लड़कियां मेकअप कभी कभी करते हैं कभी नहीं करती। ये झूठ थोड़ी है। नहीं ये कभी कमी वो दुपट्टा नहीं पहनते, ये झूठ है। ये भी झूठ है। ओ मुझे झूठ बताओ, झूठ बुराई नहीं झूठ बताओ। झूठ नहीं आता है। झूठ नहीं आता? तुमने कभी कोई एक बड़ा अच्छे तरीके से झूठ बोला हो? बड़ा झूठ बोला है। क्या झूठ बोलते हो? सही लोगों को बोलते हैं हम 100 करोड़ के मालिक है, वैसे 1 करोड़ के भी नहीं है। क्या बात है, सच बोल दिया बच्चे ने। अच्छा ये कहते हो जी, लोगों को क्यों कहते हो? लड़कियां पीछे लगवाने के लिए? हाँ बड़े बड़े छोड़ने हैं, छोटे नहीं।
लड़कियां लग जाती है जब ये कहते हो। क्यों नहीं शौक से, उसके वो बोलते हैं कि पैसा है इसके पास। तो तुम खुद लड़की जैसे हो, तुमने लड़कियों को, मैं तुम्हें क्या बोलूं? वो तो लड़कियों को नहीं पता है ना ये लड़की है लड़का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम स्पेशल आए हैं इस जॉनी के पास, अदील के पास। बेसिक इनका नाम अदील है और इसको प्यार से जॉनी कहते हैं क्योंकि इनका कद छोटा है, इस वजह से इसको जॉनी कहते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा जॉनी, कैसी हो तुम? अच्छे हो। अच्छे हो? कैसा काम चल रहा है? शुक्र है मालिक का। क्या ढीले ढीले क्यों हो आज? वैसे काम भी ढीला, गर्मी बहुत है ना, इसीलिए काम भी ढीला है, गर्मी भी बहुत है जी। तुम्हें ठंडा कैसे किया जाए? ठंडा पानी पी के यही तो ठंडे हो गए, नहीं और सालों की होना ठंडा पानी उत्ते पाना पे। अच्छा मैं कहता क्या तुसी मेरे वास्ते स्टिंग मंगवान लगे थे? मैं मंगा दांगी, इन्नी केड़ी गल है, मैं अपने भरावा से स्टिंग नहीं मंगवा सकती। अच्छा जी, और मंगी ना बस। मैंने पता बाद में तुसी मैंने कहना लिया 60 रुपए 60 रुपए दी मिलदी है? 70 रुपए दी 10 रुपए करे ट्रिप ने। अच्छा मैं समझी शायद होएगी कोई 200-300 दी। नहीं इन्ने वाली ते फिर ते मैं प्या दांगी, एडी बड़ी गल कोई सो वाली, वो जहाज बनन वाली हुंदी आ वाली। अच्छा चलो जॉनी, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हो? जो आप बोलेंगे। जो मैं बोलूंगी? चल जरा तेरे को खलोते ना, जूता मार। जूता मारा और मैं तेरे पेड़े भी मारा। अच्छा चल लगाओ इसको कोई जुगत। इंदा एक भरा कुब्बा आंदा, उन्हें जिन चंबड़ गया 6 महीने बाद जिन निकले भी कुब्बे हो गए। ऐसी सुनी हुई हजी नहीं आई, कोई कोई नवी सुना जुगत लाई देने गैब हो जाना। अज ला जुगत मैं गैब होना लगता पता नहीं, तेनू नी लानी मैं, तू मेनु ला पहले फिर मैं तेनू लावांगा। ये बकरी ला के ना बस च बैन लगा, कनैक्टर ने आख्या बकरी बस च नहीं बिठानी, इन्हें की किया सैर तल जाके उन्हें बुरखा पवा के लै आंदा। कनैक्टर कहता की है? कहता मेरी दादी है। बह गया हूँ उन्हें थोड़ी देर बाद बकरी ने मेंगना कर दी है, तो कनैक्टर ने पूछा गांठ साहब आ की है? कहता मेरी दादी की तस्वीर टुट गई। दादी की तस्वीर टुट गई नहीं इन होर ला दो। कहता मेरी दादी की तस्वीर टुट गई। क्या बाहर दे मुल्क गया तो बुरखा पा के घूम डे? मैं क्या तो पाए? कहना चुप कर भैन दे वीजे ते आया। जुत्ती लाई है कि मस्जिद आया हो? नहीं नहीं, वैसे ही अपनी आदत है है। नंगे पैर ही फिरन दी? हां जी, मन्नत मन्नी सी छोटे आंदे हुन पूरी करन आ, वो याद नहीं रही। हाली भी छोटा है, तू कितना बड़ा होया? बड़ा होएगा तो पूरी होएगी ना। इंदा भरा एक लंगड़ा हुंदा है, ते इंदे घर वाले नु भेज देंदे ने शहरी टाइम दही ला के आ, ते वापसी लस्सी ला के आंदा लंगड़ा, ने इंजन चो के लस्सी बन जांदी। लंगड़ा जी हिल हिल के लस्सी बन गई। हां जी नहीं इन्हू ही लान दे, मैनू याद नहीं आ रही। मेनू कले बह के इन्ने सारे आंदे ने, हुण पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं इन्हां दा डर लगदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ? ਚਲ ਸੁਣਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਆ ਰਹੇ? ਚਲੋ ਆਣ ਦੋ। ਇਹਗਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਜ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ, ਇੰਜ ਕਰੀ, ਆ ਨਾਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੂੰ ਕਢਵਾਣਾ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾਖੂਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ? तेरे शहर का मौसम बड़ा ही सुहाना लगे, तेरे शहर का मौसम बड़ा ही सुहाना लगे, तेरे बस में हो सके तो भूल जाना मुझको, मुझको बुलाने में तुम्हें शायद जमाना लगे। वाह वाह वाह, एक मिनट नहीं लगना। अच्छा कोई और सुनाओ, कोई और सुनाओ। तेरे बाद महफिल में फजा हम ना होंगे, तेरे बाद महफिल में फजा हम ना होंगे, अफसोस ये बुहाड़े हमको ढूंढेंगी,
हम जाने कहाँ होंगे। क्या कहाँ होंगे वैसे? घर ही होना और असं कितने जाना है। अच्छा चलो सॉन्ग सुनाओ कोई। सॉन्ग नहीं है सॉन्ग आते लास्ट टाइम आप मुझे सॉन्ग सुनाने लगे थे लेकिन सॉन्ग सुनाया नहीं था। नहीं आंदा। वो आते सॉन्ग वो जो बड़ा फेमस हुआ है कच्ची शराब वांगो आंदा होएगा थोड़ा बहुत। तू तो गाना नहीं आता ये वाला कौन सा वो बदोबदी आता है नहीं यही सानू के लागे नहीं लगन देंदा हैगा तू कहने बदोबदी इसका चाचू था देख पहचान लिया ने शॉट लाई सी। चलो वो सुना दो थोड़ा बहुत तो आता होगा ना सबको ही आता है गाना मैंने आए हाय ओए होए नहीं बदो बदी नहीं है। चलो लव स्टोरी कोई होगी हैगी सी पिछली बार तो ही पूछया सी नहीं सुनाई ना केडी खुशी तुसी पूछया सी होनो सिंगल हो गया पहले डबल सी होन सिंगल हो गया। अच्छा मतलब पिछले इंटरव्यू में तुम डबल थे अभी सिंगल हो अभी क्या वजह हुई रिश्ता टूटने की? बस रिश्ता भेजा उन्होंने दिया नहीं रिश्ता भेजा था क्या मुंडे का कद छोटा है नहीं मुंडा मुछा नु वट पांदा नहीं कुछ भी नहीं पता नहीं की खूबी नजर आई कुड़ी का कद कितना सी मेरे जिड्डा है कुड़ी का कद भी इतने जिना सी और मैं बड़ी पुसा के कड़ा उठा को सुरमा पुवाना सी। अच्छा उसकी उम्र कितनी थी? 22 साल मेरी है 20 साल उसकी होगी 20 साल उसकी होगी उम्र का भी नहीं पता पता है इना को तो पता है। आप 22 साल की हो जी कब पैदा हुए थे सन बताओ मैंने पता नहीं मेरी अखा बंद सी तो पैदा होया सी सारियां दी अखा बंद होंदी है तेरी अनोखियां सन मैनू यही तो पता नहीं मेरी अखा क्यों बंद मैं डेट याद रखने सी कार वाले ने नहीं दसया नहीं दसया कार वाले ने तेनू किसने पता मेरी 22 साल है मैनू बस पता लग गया अंदाजा ही ला लिया मैं कि मेरे ते नाप दे हुन काम ही मर गए ने तेनू वे के मेनू लगदा 30 प्लस है पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है जो दोस्त कहीं भी बैठा हो या किसी दोस्त की कॉल आ जाए तो उसे बोले यार किधर तुम मैं घर हूँ सोया हूँ तो उसने बोला कब मैं से 2 मिनट में आया आधा घंटा गुजार के फिर आके बोलता यार बस 2 मिनट में आ गया हूँ इसमें क्या उन्हें ज्यादा टाइम लगा दिया कमी झूठ है। इसके अलावा झूठ तो बड़े और भी है झूठ जो ये दुकानदार वाले करते हैं अल्लाह की कसम ये इतने का है इसमें सिर्फ 50 रुपया कमा रहा हूँ ज्यादा नहीं कमा रहा ये पीछे इसका ये रेट है ये आपसे 50 जो ले रहा हूँ वही ऊपर ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बोला ये सबसे बड़ा झूठ होता है। अच्छा तुम भी ऐसे बोलते हो? नहीं मैं सीधे जो दो रुपये नहीं बचते नहीं बचते नहीं बचते क्यों नहीं बचते ना बचते तो यही कितना पसीना है ना अपना जाया कराइए। इसमें मैं इंटरव्यू तेरा कर रही हूँ बुरी हालत मेरी हो रही है पाकिस्तान चाली झूठते हुए चाली झूठते रहे जी वो अपनी गलत मैं भी झूठती चल रहा मेनू ने इन्हें ला मुझे लगा शायद आप बिजली पे चलते हो बिजली मैं स्टिंग पीना जो मेरे चरखा आ जाता है। अच्छा चलो मैं ना कोई गाना सोचो और हमें गाना सुनाओ। मैनू कमेलू नहीं आंदा है ओ माशाल्लाह अभी इड्डा ये ऐ 24 साल से मैं ओ माशाल्लाह अभी इड्डा ये क्या बात है जोनी भाई का दूसरा भाई आ गया जी इधर आए क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील अहमद नु खलील अहमद मैं कह लैला मजनू ऐ कितना नाम है। अच्छा इधर आए जरा खलील अहमद जी। खलील अहमद क्या करते हो? पीको का काम। पीको का काम आप क्या करते हो? जुलरी का काम। आप बड़े हो कि आप बड़े हो? वो बड़ा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कद क्यों छोटे? आप भाइयों के कद क्यों छोटे? हम जुड़वा हैं। जुड़वा है तू बड़ा है वो छोटा है जुड़वा है इधर आओ आप पहले आए थे ता वास्ते बड़ा छोटा बड़ा पता है दो दो घंटे दे वक्त अच्छा आप पीको का काम करते हो जी। आप भी इसकी तरह जुकते मारते हो? नहीं नहीं ये तो शक्ल से शरीफ लग रहे हैं। शरीफ तू क्यों बदमाश है? वैसे मैं यारा नाल बैठ बैठ के हो गया। मेरे यार ने तेरे मेरे बड़े यार मेरा ग्रुप है गैंग गैंग ग्रुप है। हां जी वो बेचारे होते हैं जोठे लेकिन बेचारे होते हैं
बेचारे होते हैं। लेकिन वो भी कभी गवार कह देते हैं आई लव यू, लेकिन नहीं होता। नहीं, इसके अलावा कौमी झूठ क्या है जो लड़के बोलते हैं? नहीं, लड़कों को मैं बताना नहीं चाहता दरअसल। लड़कों को क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं, लड़के हमारी इज्जत है ना, हम लड़के हैं ना, हम लड़के हैं, इज्जत है, इस वजह से हम अपनी बुराई नहीं करना चाहते। लड़कियों का इन्होंने झूठ बोल दिया। लड़कियों ने ट्रेंड बनाया है, उनको ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए ना, उनको देख चलना चाहिए ना, लड़कियों को क्या कर रही हैं। देखो आपको खुद पता है ना, आप भी एक लड़की हैं ना, समझ रही है ना? मैं समझ रही हूँ कि लड़कियाँ धोखा देती हैं। हाँ, धोखा देती हैं, उनको काम चाहिए। अच्छा चलो कुछ सुना दो। क्या सुनाओ? कोई शेर सुनाओ। शेर सुनाओ कौन सा? मुझे जिल्लत ने ललकारा हमेशा, जिल्लत ने ललकारा हमेशा, तौकीर ने नहीं, मैं खुद से ही खफा हूँ, किसी और से नहीं। अपनी कमजोरी होने इंसान में तो वो अपने से ही खफा होता है। अस्सलाम बेटे, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या नाम है? अमजद नाम है बेटा मेरा। अमजद क्या करते हैं आप? मैं बेटा यहाँ शॉप है मैं। अच्छा अमजद, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी जो आवाम है वो ज़्यादा किस बात पे झूठ बोलती है? कौमी झूठ कौन सा है पाकिस्तान का? सब सच्चे हैं। सब सच्चे हैं जी, झूठ कोई नहीं बोलता। यही तो झूठ है। सब सच्चे हैं, यही झूठ है। फिर भी कोई एक झूठ बता दे बेटा। कोई खुद को बुरा नहीं कहेगा, कोई खुद को बुरा नहीं कहता, सब कहते हैं हम बेऐब हैं, हम में कोई ऐब नहीं है। इंसान हो उसमें ऐब ना हो ये नहीं हो सकता। वाहिद ज़ात अल्लाह की है जिसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन आप फिर भी कोई एक झूठ बता दें कि जो आवाम, ये जो पाकिस्तानी आवाम है जी, उसमें ये पाया जाता है कि वो ये झूठ बहुत बहुत शौक से बोलते हैं या बड़ी सफाई से बोलते हैं? वो यही कहते हैं कि बेटा सियासतदान सब पाक हैं। सियासतदानों को गोली मारी, हमने सियासत की बात ही नहीं की। बस बेटा वो आवाम का झूठ बताएं, जो आपको लगता है कि आवाम ये झूठ बड़े अच्छे तरीके से बोल लेती है। मैं सच्चा हूँ, मुझ में कोई ऐब नहीं है, बस ये लोग कहते हैं ये सबसे बड़ा। जी तो नाज़रीन, हम आए हुए थे रहमत चौक और आज का जो सवाल था वो आपने सुना कि हमने आवाम से पूछा कि पाकिस्तान का कौमी झूठ कौन सा है, जिसपे आप लोगों ने मोस्टली जो सुनने में आया वो ये है कि दो मिनट रुक जा मैं आया, यही मतलब जो है आवाम इस तरह की मतलब झूठ बोलती है। तो आई होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, उम्मीद ही है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।